ये जो मामला है सीआर नंबर 533/22 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें आईपीसी 420 और फोर्जरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। इस मामले का तहकीकात जो है अपने पुलिस स्टेशन के एपीआई भाट कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नजर आया हुआ है अभी तक, क्या ये विल के आधार पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की और बहुत ही कम कीमत में खरीदी की है। जब इस बात का कंप्लेनेंट को मालूम चला तो उससे कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी कंप्लेंट हुआ है और उसके तहत मामला दर्ज है और तपास चालू है। ये जो आरोपी जो है, क्या इसके पहले भी इनके खिलाफ में ऐसे कोई धोखाधड़ी के मामले दर्ज है? क्या क्या बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पर रहते हैं? आरोपी के बारे में तो ज्यादा मेरे को मालूम है नहीं, लेकिन इनके ऊपर इससे पहले भी नया नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है। वो किस तरह का मामला था और अभी ये जो मामला, उस मामले में जो लोग यहाँ पर नहीं रहते उनके डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेते हुए एक आदमी खड़ा करके कोर्ट डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर खरीद फरोख्त हुई थी। तो अभी किस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार है और कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी है? अभी तक इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार है और कुछ लोग सामने आएंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में उनकी गिरफ्तारियां होगी। और कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे कि इन लोगों ने ऐसा और भी किसी के साथ में किए जो पुलिस के सामने आए? मीरा रोड नया नगर एरिया जो है ये बर्तावा सिटी का एक पार्ट है और यहाँ पर लोग आग बंद करके जो खरीदी बिक्री करते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं, वो तुरंत ही रुकना चाहिए। इसके लिए लीगल एडवाइजर लॉयर्स इनका सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो खरीदी जाए। अभी ये लोग आपके पास में कब तक पुलिस हिरासत में है और अब तक का क्या जांच में क्या क्या आपने पाया है? जांच में तो अभी तक का प्रोग्रेस है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं उसके हिसाब से और इनकी हिरासत 29 तारीख तक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर में चीटरों की एक बहुत बड़ी टोली है जो खाली फ्लैट या कोई लिटिगेशन के जो फ्लैट्स होती है, ज़मीन होती है, उस पर कब्जा करते हैं। इस तरीके की टोली एक सक्रिय है। ऐसी ही एक टोली है एहसान राजपूत और हारून राजपूत की, जिनके खिलाफ अब तक का 420 के मतलब बोगस पेपर बना करके फ्लैट हड़पने के 4 मामले दर्ज है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के उनके खिलाफ दर्ज है और अभी हाल ही में 24/7 को मेरे साथ में पीड़ित महिला है, इनके भी फ्लैट पे बोगस पेपर बना करके कब्जा किया है। करोड़ों की प्रॉपर्टी को इनके हजम करने की कोशिश की है, जिन्हें वापस एक और एफआईआर दर्ज करने पे मजबूर होना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ में रोशनी है, जिन्होंने 24 तारीख को उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके आगे उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई थी। मेरे साथ में 4 साल से पहले मेरी मम्मी का देहांत हो गया था सऊदी अरेबिया में। देहांत होने के बाद मेरी हमारी यहाँ मीरा रोड पे प्रॉपर्टी थे, प्रॉपर्टी में एक फ्लैट है और 2 दुकानें हैं और एक गाड़ी है और फ्लैट के अंदर ज्वेलरी थी, वो सब कुछ एहसान गफर राजपूत और उनके भाई हारून गफर राजपूत ने सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और हमें मुझे पूछती हूँ तो कुछ बता नहीं रहा है और फ्लैट के अंदर भी आने नहीं दे रहा है और सब कुछ मेरा फ्लैट और 2 दुकान पे ऊपर कब्जा किया है और दे नहीं रहा है। तो ये आपने तो बेचा होगा ना उनको? नहीं, मैंने नहीं बेचा, उन्होंने गलत विल कर लिया और विल के आधार पे उन्होंने ये सारा कब्जा कर लिया। मैं समझे नहीं, आप जरा खुल के बताएं कैसे गलत विल बनाया? वो विल मेरे मामा के ऊपर बनाया है इन लोगों ने और मामा के थ्रू उन्होंने ले लिया है। और प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? मम्मी के, सबीना कुरैशी के नाम पे है प्रॉपर्टी। जी, तो अभी आपने एफआईआर की? जी। तो लोकल पुलिस स्टेशन से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने बात कही कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया रखा है, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी मदद की केस में यहाँ तक आने में। तो अभी उन लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है और वो लोग इस तरीके से अक्सर करते आए हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी दोबारा वापस मिल जाएगी? जी, लगता तो नहीं है, लेकिन मैं अकेली हूँ, लेकिन फाइट तो कर रही हूँ अभी इनके खिलाफ में।
तो आपके एक फ्लैट दो दुकानों पे कब्जा करके रखा है। एक फ्लैट दो दुकान और फ्लैट के अंदर जो ज्वेलरी थी वो सारी ज्वेलरी भी उन्होंने ताला टोल के निकल ली। ये जो फर्जीवाड़ा है जो इसमें कौन कौन शामिल है? जी एक एहसान गफर राजपूत और उनका भाई है हारून गफर राजपूत और एक वकील है और मेरे उसकी एक दूसरी भी वकील है कोई एकता करके है कोई वो इसमें शामिल है। तो अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आपने जाना रोशनी से कि उनके फ्लैट और दो दुकानों के ऊपर राजपूत कंपनी ने किस तरीके से बोगस पेपर बना के वकील के माध्यम से कब्जा किया है, उस विवादित वकील खान ने इससे पूर्व भी इस तरीके के बोगस पेपर बनाए हैं, उसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। इस वक्त पिछली एक और FIR इसी तरीके की हुई थी जिसमें आरोप करने वालों के साथ में साथ देने वाले थे एडवोकेट हर्ष शर्मा। आज की तारीख में हर्ष शर्मा के खिलाफ इन लोगों ने झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में इनका हाथ है। आइए जानते हैं उन्होंने जिस तरीके से उस वक्त उस मजबूर को जो साथ दिया था उसका नतीजा उनको क्या भुगतना पड़ रहा है। ये तो मुझे हंसी आती इस बात के अंदर में कि उसने मेरी एप्लीकेशन की कि प्राइम मिनिस्टर को मेरे से खतरा है और जो आदमी एप्लीकेशन कर रहा है उसने अपनी बैकग्राउंड के बारे में तो ज़रा भी नहीं बताया। ये अपना नाम यूज़ करता है एहसान राजपूत, ये है एहसान खान, गांव के अंदर में अपने यूपी के अंदर में अपने आप को बहुत बड़ा ज़मींदार दिखाता है और बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहा है जैसे बॉम्बे के अंदर में वैसा है और यहाँ पर आके टाइटल राजपूत यूज़ करने लगा क्योंकि एहसान खान के नाम पर कई सारी FIR ऑलरेडी थी। अब इनका मोडस ऑपरेंडी में ऐसा है कि इनको कोई भी प्रॉपर्टी इनको 8 से 10 साल तक अगर दिखती है कि ये बंद पड़ी हुई है या कोई इसके अंदर में आ रहा जा रहा नहीं है तो ये रजिस्ट्रार के साथ में मिलके और कुछ लोगों के साथ में कोई वकीलों के साथ में मिलके उसके प्रॉपर्टी बना के पेपर बना के टेक्निकली खेलने की कोशिश करते और उसके अंदर में रजिस्टर करके ले लेते हैं। अभी ये करंट फर्जीवाड़ा अगर आप देखोगे तो साल भर के अंदर में इनके ऊपर में 3 FIR है 420 और फॉर्जरी की। अब इसके अंदर में इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी माताजी है जिनका देहांत हो गया उनके 4 भाई थे, वो 4 भाई में से एक भाई के नाम पे बिल बना दिया। अब बिल कैसा बनता है देखिए, अगर कोई हज के लिए जाता है, हज के लिए जाना कोई ऐसा कोई रिस्क टेकिंग ट्रिप नहीं है कि जो अपनी विल बना के जाएगा, 45 से 50 साल की उम्र थी उनकी तो ना उनका कुछ मेडिकल कंडीशन था ना ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जो अपना विल बना के जाएंगी। ये काशीमीरा में एक डॉक्टर है जिसका अभी मैं नाम नहीं लूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है, उनका देहांत हो गया सऊदी अरेबिया में, इन्होंने 2017 का मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दिया है कि शी इज़ मेंटली फिट, तो आदमी ये विल एग्जीक्यूट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं कोई विल अगर रहता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको प्रोबेट करवाने के लिए हाईकोर्ट से प्रोसीजर है। इनके मैटर में ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में पहली प्रॉपर्टी है जो नोटरी विल के अंदर में 2019 में बनाते हैं 2017 की विल और उस विल के बेसिस के ऊपर में इन्होंने प्रॉपर्टी रजिस्टर करके रख ली। अब ये जो मेरी क्लाइंट है इनका कंडीशन ऐसा है कि वो टाइम से इन्होंने कंटिन्यूसली पुलिस स्टेशन में आके कोशिश की थी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए, मगर क्योंकि इसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये एहसान राजपूत का और वो टाइम पे थाना ग्रामीण भी था तो इतना कुछ खास इनको मदद नहीं हो पाई वो टाइम पे, तो उसके बाद में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद में जो चीज़ें थी ये इनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था तो ये इन्होंने कांटेक्ट किया, तब जाके हमने कम्युनिकेट किया, मैंने लेटर वेटर ड्राफ्ट किया, CP साहब को हम मिले, CP साहब ने तुरंत समझ गए थे क्योंकि एहसान राजपूत और हारून राजपूत ये नाम CP ऑफिस में भी फेमस है क्योंकि ये क्या करता है एहसान राजपूत और हारून राजपूत कि अगर कोई बंदा इनके खिलाफ़ में कोई एप्लीकेशन अगर कोई कर रहा है, ये मैं एज एन एडवोकेट भी मेरे क्लाइंट को अगर मैं जाता हूँ तो ये मेरे नाम की अर्जी करने लगेंगे, जो अगर ऑफिसर इनकी नहीं सुन रहा है उनसे अगर वो मैनेज नहीं हो रहा है तो ये ऑफिसर की कंप्लेन करने लगेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं मालूम था कि ये जिस तरीके से जो इनका प्रेशर बनाने का जो गेम है वो एक तरीके से एक्सपोज हो चुका था। यहाँ के एक रसूखदार आदमी है आदिल खान जी, तो उनके ऊपर में भी वो एप्लीकेशन करने लग गया, झूठा अर्जी करने लगा, ACP साहब के यहाँ पे मिलके बैठ के डिपार्टमेंट में देखिए दोनों चीज़ें रहती है, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ लोग रहते हैं कि ठीक है अगर कोई नहीं है तो कोई भी सही तो किसी से भी ठीक है, उनकी वहाँ पर सेटिंग लग गई तो वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था,
अब वहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, मगर यहाँ पे कैसा, कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी हाई लेवल इंक्वायरी कंडक्ट करवा दी थी क्राइम ब्रांच से। क्राइम ब्रांच ने बहुत ही तत्परता से ये इंक्वायरी को कंडक्ट किया और ये इंक्वायरी कंडक्ट करके इनके ऊपर में सीपी साहब को रिपोर्ट भेजी। सीपी साहब ने नया नगर पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट किया, डायरेक्ट करते से FIR रजिस्टर हुआ चीटिंग फॉर्जरी के ऊपर में। हमारी मांग चल रही है अभी इसके ऊपर मको का आँख लगाने के लिए, अभी दुकान को लेके FIR नहीं हुई है, गाड़ी का भी फॉर्जरी का रिलेटेड बाकी है, तो ये सब के ऊपर में चलेगा। और प्लस इसके कई सारे बैंक अकाउंट से कुछ मालूम पड़ रहा है कि वो जिसके अंदर HDFC और कोंकण मर्केंटाइल बैंक है, करोड़ों के ट्रांजेक्शन उन्होंने किए। अब करोड़ों के ट्रांजेक्शन ये बंदा कैसे कर रहा है, ये कोई कहीं का प्रॉपर्टी बिल्डर है या कोई कहीं का MLA है, वह बिजनेस चलता है इसका, कुछ नहीं चलता है, कुछ भी नहीं है, नीलवट्टा सन्नाटा है। इसको ये सब फर्जीवाड़ा करने के लिए कुछ लोग हैं, इनका टीम वर्क है जो इनको फंडिंग करता है, जिसको ये प्रॉफिट कमा के रिटर्न में देते हैं, तो ये बैंक ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से लिंक होके वो सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। और ये UP में रिटर्न पैसा भेजता है तो क्या किस मंशा से भेज रहा है? कुछ ही हफ्तों पहले उसको ATS ने भी उठाया था, तो अब ATS तो ऐसा कोई राह चलता आदमी को तो उठाता नहीं है। ATS की नज़र में आना, ATS के स्कैनर में आना, तो मतलब कुछ तो एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा। अब वो खुद को अपने आप को बचाने के लिए ये सारी टैक्टिक्स यूज़ करता है कि प्राइम मिनिस्टर को खतरा है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करता रहता है। अगर आप इसको देखेंगे भी तो ये अपने आप को ऐसा शरीफ दिखाएगा कि इससे ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं है, जबकि इसने एजेंट्स लग के रखे हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी बताने वाला 8 से 10 साल बंद है ये, उसको बताने का 20,000 रुपया देता है। तो मैं यहाँ के जितने भी रहवासी हैं उन सबसे मैं आह्वान करता हूँ, बताता हूँ, ये चीटरों से सावधान रहिए। अगर ये आपके सोसाइटी में एंटर भी हो रहा है तो कैसे भी करके पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दीजिए कि इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, हमारी सोसाइटी में है, ये कल जाके कुछ अपराध कर सकता है यहाँ पे। इन्हीं लोगों के वजह से समाज के एक तत्वों को जितने भी गुजराती मारवाड़ी एरिया है वहाँ पे उनको रूम देने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसे आके ये लोग धोखाधड़ी का मामला करते हैं। फिर आगे पेशे से आप लॉयर है, बावजूद उसके 4 FIR होना, आर्म्स एक्ट उनके ऊपर लगे रहना, फिर भी वो वापस छूट करके बाहर आ जाते हैं और फिर वापस क्राइम को अंजाम देते हैं। देखो तो क्यों पुलिस ऐसा प्रबंध नहीं कर पा रही है कि उसके ऊपर हमेशा के लिए नकेल कसा जाए? क्या वजह है कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? नहीं, पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। देखो ताली दो हाथ से बजती है। अगर पुलिस का काम है FIR कॉग्निजेंस में लेना, उसे रजिस्टर करना, आरोपी को अरेस्ट करना और उसको कोर्ट में न्याय हिरासत में भेजना। अब उसके अंदर में कैसा रहता है कि जुडिशरी के कुछ जो पुलिस मैकेनिज्म है और जुडिशरी है उनके अंदर में कुछ सिस्टम्स है, वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है। अभी जितने भी केसेस हैं आर्म्स एक्ट के बारे में बात करेंगे, जितने भी उनके ऊपर में अभी तक FIR है, तो उसके अंदर में कैसे ये अभी भी अंडर ट्रायल है, कुछ ना कुछ तरीके से उनके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जाके कंप्लेनर को ये लोग डरा धमका दिए, विटनेस को टेम्पर कर दिए, जिसकी वजह से वो केस अभी तक वो उतने स्टेज पर नहीं आया जिसके हिसाब से उनको एक सज़ा मिल पाए। अभी साल भर के अंदर में 3 FIR होना और लोग सामने से उठ के आना कि नहीं हमारे साथ भी चीटिंग हुआ है, हमारे साथ भी चीटिंग हुआ है, तो ये जो चीज़ें अभी हो रही है मेरे ख्याल से एक साल भर के अंदर में ये मकोका जैसे एक्ट के अंदर में अगर ये बुक हो गए तो इनका लाइफ टाइम का सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, देखो जान जलता है कि ये अपनी माता जी की आखिरी निशानी तक नहीं ले पाए, वो लोग ने उसके कंगन, घड़ी, ब्रेसलेट, चेन ये सब भी बेच दिए। बिल के अंदर में ऐसा बनाया कि उसके जो बैंक अकाउंट्स थी उस तक की डिटेल्स थी वो बिल के अंदर में डाल दिए, बैंक अकाउंट से पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कौन सा SBI बैंक के अंदर में आज लेकर जाओ, ऐसा कोई पेपर ले लो या ले लो SBI आपको विड्रॉ करके देंगे, तो सोचो कितने लेवल की सेटिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI जैसे बैंक के अंदर में ये ऐसा नोटरी डॉक्यूमेंट के ऊपर में काम हो रहा है। नोटरी डॉक्यूमेंट कहाँ चलता है मेरे को बताओ? क्यों लोग फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब काम नोटरी पे क्यों नहीं होता है? और इनके हर प्रॉपर्टी के अंदर में कोई ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें भी कोई एक एडवोकेट है जो उनको हमेशा हेल्प करती है, लॉस्ट एंड फाउंड का रिपोर्ट लगा देती है, कोई लेना देना नहीं रहता, ना बंदा आता है वहाँ पे, ये बस कुछ महज कुछ पैसों के लालच के अंदर में इस तरीके से ये फर्जी लोगों को ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत गलत है। मगर अभी पुलिस फुल स्पीड में इंक्वायरी कर रही है और इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है। एक ही जैसी तकनीक अपना करके फ्लैट पे कब्जा करने का, दुकान पर कब्जा करने का, जो यहाँ पे राजपूत कंपनी जो कि वाकई में राजपूत नहीं बल्कि खान है, इस तरीके का खुलासा एडवोकेट शर्मा ने किया है। 24 तारीख को जिन लोगों के खिलाफ FIR रोशनी ने की है उसमें एक नंबर के अपराधी एहसान राजपूत है, दो नंबर पर हारून राजपूत है, तीन नंबर पर है एडवोकेट कलाम खान और चार नंबर पर लड़की के मामा जो इस पूरी साजिश में उनका साथ दे रहे थे।
अतुल भाई, श्यामजी भाई पटेल, ऐसे कुल मिला के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है, पीसी ली गई है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये इस केस में से कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि इस तरीके के मामले इससे पूर्व भी तीन बार रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी अनसुलझे मामले हैं जिनकी शिकायत लोग कर नहीं पाए हैं या तो यहाँ से चले गए। राजपूत कंपनी का मीरा भाईंदर में जिस तरीके से यहाँ पे चीटिंग का जो व्यवसाय चल रहा है, उससे पूरे मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट में ये पूरी तरीके से फेमस है, जिसके चलते आज उन्हें इस मुकाम पे आना पड़ा और गिरफ्तार होना पड़ा है। जस्ट पुलिस स्टेशन के सामने ही वो रहते हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।